वेरी गुड इवनिंग, आप सीन एंड वंदना जी, वेरी गुड इवनिंग। आ जाइए आ जाइए, फटाफट अटेंडेंस ले लेती हूँ। वेलकम अनुराधा, वेरी गुड इवनिंग। सब समझ, अनुराधा समझ में आ रहा है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही आपको? आई नो आप रिकॉर्डिंग सेशन देखते होगे। समझ में आ रहा है बेटा? कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो रही तो बता दो, अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं? पढ़ रही हो अच्छे से? और कौन है क्लास में? फिफ्थ, ओके, वेरी गुड। कंटिन्यू करो भाई, पढ़ते रहो, क्योंकि वैसे ही पता है टाइम कम है। और डोंट वरी, सिलेबस आराम से क्लियर हो जाएगा, ठीक है? ठीक, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। फिर सो हेलो एवरी वन, सो हेयर आई एम अशुषिका गुप्ता, योर यू जी सी पेपर टू फैकल्टी ऑफ इकोनॉमिक्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर फिलर फॉर्मेट। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि हमारे फिलर फॉर्म के सोशल मीडिया के चैनल्स हैं, इनको आप ज्वाइन करिए। इससे आपको कोई भी न्यू अपडेट होगी वो आपको ईजिली मिल जाएगी, है ना? सो आप देख सकते हैं पेपर फर्स्ट हो या पेपर सेकेंड हो, बोथ आपको देखने को मिल रहा है। उसके आपको नोट्स मिल रहे हैं पर डे, पी वाई क्यू विद आंसर्स, 100+ मॉक टेस्ट, क्विज़ेस, नोट्स, सैंपल पेपर, ओनली ऑन अवेलेबल ऑन फिलर फॉर्मेट। सो नेक्स्ट आप देख सकते हैं यूज कोड आशीएसटेन। अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं आशीएसटेन, तो आपको क्या मिलेगा? 10% का ऑफ मिलेगा एनी फिलर फॉर्म कोर्सेज पे, ठीक है? सो आई एम योर मेंटर आशीषिका गुप्ता। ऐप पे आपकी क्लासेस होती हैं 8 बजे मंडे टू थर्सडे, नहीं सैटरडे, ओके, एंड 10 to 11 PM भी हमारी क्लास होती है। सो अभी आप यूट्यूब पे आपके अभी रिकॉर्डिंग सेशन नहीं आ रहे, इन फ्यूचर आएंगे आपके। एंड संडे को भी आपकी क्लास होती है, ठीक है? वो आपको स्केड्यूल के अकॉर्डिंग पता चल ही जाता है कब कब क्लास होती है। सो नेक्स्ट आप देख सकते हैं हाउ टू डाउनलोड नोट्स। आपको पता है जैसे आप और भी प्ले स्टोर पर जाके ऐप्स इंस्टॉल करते हैं, एज इट इज़ क्या करना है आपको? फिलर फॉर्म को इंस्टॉल करना है, ठीक है? तो ये वेबसाइट है इसकी, एंड ये इसका कॉन्टेक्ट नंबर है। कुछ भी आपको प्रॉब्लम आती है तो आप इजीली यहाँ पे बात कर सकते हैं। सो जिसने भी खुद को खर्च किया है, दुनिया ने उसी को गूगल पर सर्च किया है। इसलिए खर्च करो तभी दुनिया सर्च करेगी, है ना? सो मूव फॉरवर्ड टू विद आवर मोटिवेशन। अपनी स्वास्थ्य पर ध्यान देना मत भूलें, क्योंकि वह यही एक ऐसी चीज है जिसे आप अपने लक्ष्य पर पहुंच सकते हैं। अब जब आपकी हेल्थ ही नहीं अच्छी होती है, तब आप क्या करते हैं? नो स्टडी, नो कुछ भी टाइम टेबल फॉलो, कुछ भी नहीं करते आप। एक ये कहते हैं ना, परफेक्शन में रहते हैं आप, पूरे दिन टाइम टेबल के अकॉर्डिंग एक्यूरेट टाइम पे काम करते हैं, वो नहीं हो पाता। सबसे पहले अपना हेल्थ इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, है ना? हेल्थ क्या है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर हेल्थ ठीक है, स्वास्थ्य ठीक है, तो फिर हम लोग कुछ भी अचीव कर सकते हैं लाइफ में, है ना? कुछ भी अचीव कर सकते हैं। सो छोटी छोटी चीजों से ही आपको पता है कि हेल्थ पे फर्क पड़ता है, उसको ध्यान दो, वो इम्पोर्टेंट है ना? सो एक अच्छी सी स्माइल दे दीजिए, फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग फटाफट फटाफट। आई थिंक सो सब आ भी गए होंगे क्लास में, जो अभी नहीं है। यस, सबके लिए है वैसे तो।
अनुराधा को हंसी आ रही है, चलिए स्टार्ट करते हैं फिर, ठीक है। वैसे ये मोटिवेशन सब पे फॉलो करता है, ठीक है ना। एक दिन मेरी हेल्थ खराब हो गई, तुम लोग मुझे सुना रहे हो, सही है, बहुत सही जा रहे हो बेटा, तुम लोगों की वजह से खराब हुई है। और आज मेरी कुछ ठीक भी हुई तो फिर अगेन तुम लोगों की वजह से खराब हुई। उसका रीजन आप लोगों को पता ही है, इतनी मेहनत से पढ़ाती हूँ मैं आप लोगों को, इतना एक एक टाइम आप पे एक एक वॉइस बोल बोल के समझाती हूँ, उसके बावजूद भी भाई फ्रैंक रहो, जो है जैसा है बोलो, ठीक है, बट हाँ एक मर्यादा में रह के, ठीक है। इसके कहने का मतलब, फ्रैंक होने का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी मर्यादा भूल जाए, ये सबसे पहले, और पहले तो मुझे ये सब चीजें आपको बताने की जरूरत नहीं है। हाँ तो फिर आप स्टार्ट, अच्छा हमने ये सब पढ़ लिया था, अब हम क्या पढ़ रहे थे, अजम्पशंस। क्या पढ़ेंगे अब हम, अजम्पशन, इसकी कुछ मान्यताएं हैं तो वो हम देख लेते हैं, फैक्ट ऑफ प्राइसिंग की क्या हमारे पास क्या मान्यता है, क्या इसमें फॉलो करी हुई है इसने। सो बताता है ये परफेक्ट कॉम्पिटिशन, इसमें क्या है, परफेक्ट कॉम्पिटिशन, ठीक है, इसमें क्या है, परफेक्ट कॉम्पिटिशन से काम होता है। सो होमोजीनियस क्या है, होमोजीनियस इसमें फैक्टर्स है, एक समान क्या है, एक समान फैक्टर्स है, मतलब तो एक दाम पे बेच रहा है वही दूसरे पे बेचेगा, तो ये होमोजीनियस है, ये नहीं कि इधर उधर आप कर लो कुछ प्राइस का, नहीं, ठीक है। रैशनल बिहेवियर, मतलब कंज्यूमर का बिहेवियर रैशनल है, एक समान है, ठीक है, ये नहीं है कि इरेशनल हो, किसी का पता ही नहीं है क्या लेना है क्या करना। जब कंज्यूमर का बिहेवियर हमें पता होता है उसी अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, चीज़ों का प्रोडक्शन करते हैं, उसी चीज़ को ज़्यादा मार्केट में बिक रहा होता है उसी अकॉर्डिंग क्या करते हैं, उसी चीज़ का ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहे होते हैं। आपको मार्केट में कैसे पता चलता है, आप मार्केट में खड़े हो आपको कैसे पता चलेगा, ट्रेंड चल रहा होता है हर चीज़ का, चाहे आप क्लोज का ले लीजिए, क्लोज का ट्रेंड ले लीजिए, पैन का ले लीजिए, वट एवर यू वॉन्ट टू डू, बॉटल का ले लीजिए, भाई बॉटल भी आजकल देख रहे हो लड़कियों के लिए, वो यूनिकॉर्न वाली कौन सी आती है वो, आई डोंट नो, मुझे तो पता नहीं है, समथिंग ऐसी सुना है मैंने, तो वो कितना ज़्यादा वो हो रही है, डिमांडिंग में हो रही है, उसके टिफिन बॉक्स उसके, क्यों क्यों पता है, क्योंकि वो डिमांड, हर दूसरे बच्चे के पास आपको वही मिलेगा। ऐसी क्लोथ्स को देख लो, ऐसी कार को देख लो, अच्छा हर अमीर के पास वही वाली कार मिल रही है आपको, तो इससे हमें पता चल जाता है। परफेक्ट सब्स्टिट्यूट क्या है इसके ना, सब्स्टिट्यूटेबिलिटी है, ठीक है ना, ये क्या लिख दिया मैंने, सब्स्टिट्यूटेबिलिटी, अच्छा, ओके, नहीं सही है, एकदम सही है, जैसे आप ये कह सकते हो, परफेक्ट है इसके अंदर सब्स्टिट्यूट, मीन्स ये मत कहना कि इसके अंदर सब्स्टिट्यूट नहीं है, इसके अंदर परफेक्ट सब्स्टिट्यूटेबिलिटी है, ठीक है। इसके अंदर क्या है, जो आप सब्स्टिट्यूट करना चाहते हो इसके अंदर, वो परफेक्ट है, इम्परफेक्ट नहीं है कहीं से भी, मतलब जो चीज आपको चाहिए उसके अकॉर्डिंग आपको उसका सब्स्टिट्यूट परफेक्ट में मिल रहा है, ये नहीं है कि नहीं मिल रहा। क्या आप सोचो कि नहीं, अरे अगर हमें टी लेना है तो इसके बदले में, अरे हमें तो अपना मन मारना पड़ेगा, हमें ऐसे करना पड़ेगा, नहीं, उसका कुछ तोड़ अच्छा परफेक्ट सब्स्टिट्यूट यहाँ पे मिलेगा आपको फैक्टर प्राइसिंग में। क्योंकि मैंने आपको बताया, एक बात बताओ, जब आप पुअर और रिच की बात कर रहे हो, ठीक है, आप एक बात बताओ, हर पुअर क्या हर चीज ले लेगा, नहीं ले सकता ना, तो उसके लिए परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है ना इसमें, उसमें क्या बात कर, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट कि तुम्हारे को हम परफेक्ट सब्स्टिट्यूट ला के देंगे, तुम परेशान हो। अब जो रिच लोग हैं उनके पास तो भाई देखो, जैसे आप एवोकाडो फ्रूट ले सकते हो आप, है ना, और आप वो ले सकते हो ड्रैगन फ्रूट, ड्रैगन फ्रूट पता है आपको वो बहुत एक्सपेंसिव आता है ना, एवोकाडो बहुत एक्सपेंसिव आता है। अब उसे नॉर्मल पर्सन तो नहीं खा पाएगा ना, नॉर्मल पर्सन तो जो मिडिल क्लास के लोग होते हैं कैसे खा लेंगे, जो रिच पर्सन होते हैं उनके लिए कुछ चीज़ इफेक्ट है। तो इसी अकॉर्डिंग पे ये थ्योरी यूटिलाइज करी गई है कि आप कैसे चीज़ों को फैक्टर प्राइजिंग कर रहे हो भाई, आप कैसे लैंड लेबर लगा के उसका फैक्टर में कितना प्राइसिंग आप अपने अकॉर्डिंग तय कर रहे हो। तो आप कब तय करोगे, जब आपके पास क्या होगा सामने, आपको पता होगा कि मेरे पास कंज्यूमर किस तरीके का है, तो उसी अकॉर्डिंग आप चीज़ें बनाते हैं, उसकी जो प्राइसिंग देते हैं उसी अकॉर्डिंग देते हैं। परफेक्ट मोबिलिटी, एक बार बताओ, अगर मोबिलिटी नहीं होगी, गतिशील नहीं होगा सामानों को, तो आप कैसे उन्हें रिवॉर्ड दे दोगे, आपका सामान इधर उधर हो रहा है तभी तो आप और अच्छे से कर पा रहे हो चीज़ों को यूटिलाइज, तभी तो आप उसको आगे बढ़ा पा रहे हो। अगर आपकी इमोबिल होने लगी चीज़ें, तो इसके अंदर की बात हो रही है फैक्टर प्राइसिंग। फैक्टर प्राइसिंग में क्या, इमोबिल हो गई तो फिर आप कैसे करोगे, मोबिल में आप क्या कर सकते हो, जो जो गरीब देश है उनको उनको गतिशील, मतलब इधर से उधर सामान ट्रांसफर कर सकते हो और इम्पोर्ट कर सकते हो अच्छी चीज़ों को, तो मोबिल कर पा रहे हो उसमें, गतिशील हो रही है चीज़ें, ठीक है। तो इंटरचेंजेबिलिटी है इसके अंदर, आप वही आ गए, इट्स नॉट द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ कि आप सोचो कि मैम परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, नहीं, इंटरचेंज के अंदर होता है कि आप एक चीज़ चेंज कर रहे हो,
इंटरचेंज का मतलब एक चीज से दूसरी चीज का चेंज कर रहे हो, उसमें सब्स्टिट्यूट की बात कर रहे थे कि सब्स्टिट्यूट कैसे हो रहा है। 6 पॉइंट तक समझ में आ गया सबको, एक बार जरा देख लेते हैं, चलो आगे 10 पॉइंट्स कंप्लीट करके पूछते हैं। सो फिर परफेक्ट अडेप्टेबिलिटी, ठीक है, इसके अंदर क्या है, क्या है परफेक्ट अडेप्टेबिलिटी है, अडेप्टेबिलिटी मतलब अनुकूलशीलता, मतलब कैसे आप उसको अडेप्ट करते हो उस चीज को। जैसे आप कोई भी चीज खरीद रहे हो, ठीक है, कोई भी चीज खरीद रहे हो, आप उसके अंदर जो चीज है उसको आप पूरी तरीके से अडेप्ट कर रहे हो, क्या कर रहे हो, पूरी तरीके से अडेप्ट कर रहे हो, उसे अनुकूल समझ रहे हो अपने। कि जैसे ये पेन है, अगर मैं शॉप पे लेने गई तो मुझे जितने का मिल रहा है, ये मेरा जितना मेरा इसका मैं इसका प्राइस अफोर्ड कर सकती हूँ, उसी अकॉर्डिंग मैंने खरीदा। तो अडेप्टेबिलिटी कर ली मैंने इसकी, क्या कर ली मैंने इसकी, अडेप्टेबिलिटी कर ली, इसको ले लिया मैंने, अडेप्ट कर लिया, अनुकूलशीलता अपने अकॉर्डिंग मैंने इसको अडेप्टेबिलिटी कर ली। अब जैसे रिच होगा तो भाई वो अपने अकॉर्डिंग अडेप्टेबिलिटी करेगा, तो इसके अंदर परफेक्ट अडेप्टेबिलिटी की मान्यता होती है। सो नेक्स्ट आ जाइए, नॉलेज अबाउट मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, नॉलेज अबाउट मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, इसमें क्या बता रहे, सीमांत उत्पादकता के बारे में पूरा ज्ञान होता है कि कैसे मेरी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी घटती चली जाती है ना, सीमांत उत्पादकता मेरी कैसे घटती है, तो इसके अंदर पूरा पता होता है इसको कि कैसे घटेगी। फुल एम्प्लॉयमेंट होता है इसके अंदर, क्या होता है आपको पता है, ज्यादातर मैंने आपने एक शॉर्ट वीडियो अगर आप मेरी देखते हो, नहीं देखी हो तो कुछ स्टूडेंट नहीं हुआ तो प्लीज जाइए फिलो फॉर्म की यूट्यूब चैनल पर, अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा तो उसे सब्सक्राइब करिए, उसमें जाके जो शॉर्ट्स आते हैं ना उसके अंदर मेरी वीडियोस हैं, कुछ वीडियोस में भी वीडियोस है मेरी, तो आप देखिए शॉर्ट वीडियोस को जाके, उसमें काफी छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आते हैं, वो बहुत काम के होते हैं, है ना। तो उसके अंदर मैंने बताया हुआ फुल एम्प्लॉयमेंट इतनी जरूरी अजम्पशन क्यों है, और हर एक अजम्पशन में देख रहे हो आप फुल एम्प्लॉयमेंट आपको मिलती है। आपने देखा होगा अभी तक जितनी थ्योरीज आपने पढ़ी हैं, आपने नोटिस किया होगा कि फुल एम्प्लॉयमेंट इज द मेन अजम्पशन। लोअर वेरिएबल प्रोपोर्शन, अब आपको ये भी पता होगा कि फुल एम्प्लॉयमेंट एक अजम्पशन क्यों है इतनी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये आपको पता होगा, अपनी शॉर्ट वीडियो में जाके देखना, आपको छोटे से टाइम में पता चल जाएगा, नॉट मोर देन 1 मिनट, लेस देन ओनली। लोअर वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या होता है, आप चीजों को कैसे उसके अकॉर्डिंग चला रहे हैं, लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन आपको पता है कैसे आप उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं, वेरिएबल हो रहे हैं अनुपात को, कैसे वेरिएबल हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग कैसे आप चीजों कर रहे हैं, कितनी चीजें वेरिएबल हैं वो आगे चल के कितना आपको प्रॉफिट दे रही है, कितना अर्न कर रही है, वेरिएबल कॉन्स्टेंट बताया हुआ है ना मैंने, तो ये वही है वेरिएबल प्रोपोर्शन, वेरिएबल हो रहा है जितना आपकी चीजें वेरिएबल है, लैंड लेबर कैपिटल जो आपका वेरिएबल है उसके अकॉर्डिंग आपको क्या मिल रहा है, तो वेरिएबल प्रोपोर्शन मिलते हैं सबके अकॉर्डिंग, सब के प्रोपोर्शन अलग अलग कर दिए जाते हैं, तो वेरिएबल्स हो गए, चेंज हो गए सब में, ठीक है, नॉट अ कांस्टेंट। सो अब हम थ्योरी ऑफ रेंट पढ़ेंगे आज, पर उससे पहले आप लोग मुझे बताइए अजम्पशंस आप लोगों को समझ में आ गई हैं। हाँ वो तो है, नहीं नहीं मैं क्यों लूंगी बेटा, मुझे पता है टीचर को पता होता है सब। बबीता जी भी आ गए क्लास में, चलो अटेंडेंस लगा दें इनकी भी। एक तो हमारे पास टाइम बहुत लिमिट है, ये आप तब समझोगे जब आप कभी टीच करोगे, जब आपको पढ़ाना होता है ना बेटा, तो ये इतने कम टाइम में पढ़ाना इट्स वेरी ह्यूज टास्क। आप सोच लो कब से हमारा बैच स्टार्ट हुआ, आप देखो बीच में तबीयत भी खराब होती है, कुछ पर्सनल काम भी होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास टाइम थोड़ा सा पूरे साल में अगर पढ़े ना तो फिर एक बार के लिए बहुत बढ़िया वाला निकाल के ले जाओ, पर ठीक है छोटे छोटे कॉन्सेप्ट से भी आप क्लियर कर सकते हो। ओवरव्यू दे दीजिए, कौन ओवरव्यू दे दे भाई, किसका ओवरव्यू चाहिए रविंद्र को, क्या ओवरव्यू चाहिए रविंद्र, क्या ओवरव्यू चाहिए आपको, जल्दी बताइए, फिर फटाफट आगे थ्योरी ऑफ रेंट स्टार्ट कर देती हूँ मैं, उसको खत्म करना है मैंने, फिर मॉडर्न थ्योरी में कल पढ़ा दूंगी, थोड़ा सा ही होगा वो तो किसी और थ्योरी के साथ समझ में आ जाएगा, ठीक है। थ्योरी ऑफ रेंट में आप समझोगे कि आप कैसे रेंट को अलग अलग तरीके से देखते हो, आपको सिर्फ रेंट इतना ही पता होगा ना
कि हम रेंट देते हैं, घर पे रहते हैं, यहाँ रहते हैं तो भी आप रेंट दे रहे हो, कहीं किसी के यहाँ जा रहे हो कहीं तो उसका रेंट दे रहे हो। हर चीज का एक अपने तरीके से आपने एक अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में क्या कहते हैं जो आप चीजों को रेंट दे रहे हो तो आपको लग रहा होगा इसका रेंट, बट आप उसको एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट में समझेंगे कि रेंट एक पर्टिकुलरली क्या होता है, हमारी इकोनॉमिक्स के अंदर रेंट को कैसे क्लैरिफाई किया हुआ है। तो अब हम ये समझते हैं, सो मूव फॉरवर्ड, आ जाइए अच्छे से पढ़ते हैं। सो थ्योरी ऑफ रेंट क्या पढ़ेंगे हम लोग, थ्योरी ऑफ रेंट, ठीक है। सो ये क्लासिकल थ्योरी भी है एंड आपकी रिकार्डियन ने थ्योरी दी है थ्योरी ऑफ रेंट, जो अभी आप आगे देखेंगे। अच्छा, आप इस पिक से क्या समझ पा रहे हैं, ये लैंड है। सबसे पहले इसमें किसकी बात करी जाती है, ओनली लैंड का रेंट मिलता है, इसमें लैंड का रेंट मिलता है आपको ओनली। जो आपकी क्या बचा बाकी, लेबर, लेबर कैपिटल, और जो आपके एंटरप्रेन्योर हो गए, उद्यमी हो गए, इन सब की बात करी जाएगी मॉडर्न इकोनॉमिक्स में। इन सब का रेंट आपको मॉडर्न इकोनॉमिक्स में मिलेगा। जब आप इसमें बात कर रहे हैं ना थ्योरी ऑफ रेंट में, जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट की बात हुई, मॉडर्न इकोनॉमिक रेंट की जो थ्योरी है वो हम कल देखेंगे। अभी हम पढ़ रहे हैं कि क्लासिकल ने क्या बोला है रेंट के बारे में। तो यहाँ पे सिर्फ इसने लैंड की बात करी है कि लैंड ही हमें यहाँ पे लैंड की बात करी गई है ओनली। अभी आप आगे समझेंगे तो समझ पाएंगे कि लैंड को आप किस तरीके से कल्टीवेट करते हो। कल्टीवेट मतलब समझ रहे हो आप इंग्लिश में क्या बोलते हैं, खेत को क्या करते हैं, अरे जोतते हैं, कल्टीवेट करते हैं, समझ रहे हो, समझ जाओ। नहीं समझ रहे तो मैं गूगल करके बताऊँ। कल्टीवेट करना मीन्स कैसे आपको जो लैंड मिली है उसमें आप कैसे उपजाऊ बना रहे हो उसको। हाँ यस, ये सही वर्ड है, कैसे उसको उपजाऊ बना रहे हो, उसके अंदर फर्टिलिटी कैसे कर रहे हो आप, कितनी अच्छी फर्टिलिटी है, क्या बीज आप डाल रहे हो, ये सब चीजों से लैंड आता है। तो लैंड पे आप अच्छा काम कर रहे हो तो उससे आपको रेंट मिलेगा, जो आप रेंट दोगे तो वो ही रेंट थ्योरी है। अभी आगे हम देखते हैं। सो क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेंट बोलते हैं इसे एंड रिकार्डियन थ्योरी है, रिकार्डियन ने दी थी। रिकार्डियन क्लासिकल थ्योरी क्यों बोलते हैं इसे, क्योंकि रिकार्डियन एक क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे। सो डेविड रिकार्डो की बुक थी प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक टैक्सेशन, 1817 में इन्होंने ये दी थी, ठीक है। ये याद रखना डेविड रिकार्डो, ये याद रखना डेविड रिकार्डो की बुक है प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन 1817, ठीक है। सो अब आप समझ सकते हैं, जैसे कि अगर आप बोल पाएंगे तो क्या बोलेंगे कि रेंट इज दैट पोर्शन ऑफ प्रोड्यूस ऑफ द अर्थ व्हिच इज पेड टू द लैंडलॉर्ड फॉर द यूज ओरिजिनल इंडस्ट्रियल पावर ऑफ द सोल। लगान क्या है, पृथ्वी की उपज का वह भाग है ना। लगान क्या लगाई है आपने, उसके अंदर जो लगान लगाई है, जो जमींदार क्या करते हैं, मिट्टी की मूल अविनाशी शक्तियों के उपयोग के लिए भुगतान किया जाता है। अब इसका मतलब आप समझ गए, ये लैंड है आपकी, इसके अंदर आपने जो भी कल्टीवेशन करा है आपने, उसमें जो आप रेंट पे कर रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, लैंडलॉर्ड को जो आप रेंट दे रहे हैं, ये लैंडलॉर्ड है इसमें वर्क कर रहे हैं, उसके लिए आप इसको क्या दे रहे हैं, रेंट दे रहे हैं। तो ये वही बता रहा है कि इसमें आप उपजाऊ चीजों का मतलब उसमें कल्टीवेशन कर रहे हो, उसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहे हो, कैसे उसके अंदर मिट्टी कैसी डाल रहे हो, अपनी शक्तियों को डाल रहे हो ना, काम कर रहे हो उसमें, जो आपको जमीन मिली है। तभी तो कितनी मेहनत से किसान काम करता है, उस बंजर जमीन को इतनी उपजाऊ बना देता है, कैसे बनाता है, उसके अंदर कुछ चीजें जो भी पढ़ती होंगी आपको पता है, फर्टिलिटी के लिए जो भी चीजें उसके अंदर यूज होती है, तो आप उसके लिए क्या कर रहे हो, उसको क्या पे कर रहे हो, रेंट, क्या पे कर रहे हो, रेंट। सो इसकी कुछ अजम्पशंस हैं, रेंट की कुछ अजम्पशंस हैं जो कि आप समझेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, रेंट इज अर्न ओनली ऑन लैंड, आप रेंट किससे वसूल कर सकते हो, जमीन पर ही किराया वसूला जाता है, जमीन से ही क्या करते हो आप किराया वसूलते हो, ओनली लैंड से ही आप रेंट वसूल रहे हो। यहाँ पे लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर नहीं आएगा, मॉडर्न इकोनॉमिक्स में आएगा, अभी मत समझना इसको, ठीक है। द लैंड इज फिक्स्ड इन सप्लाई, समझ गए, ये लैंड जो है फिक्स्ड सप्लाई में, मतलब इतनी जो लैंड है ना मेरी, ये लैंड है इसमें मैं जो भी वर्क कर रही हूँ वो इतनी लैंड पे इतना ही कर पाऊंगी, तो उतना सप्लाई फिक्स्ड है, सप्लाई उतना फिक्स्ड है मेरे पास। ये नहीं कि सप्लाई बढ़ जाएगा कम हो जाएगा उतनी लैंड पे, नहीं। इसकी अजम्पशंस है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये अजम्पशंस, याद रखना इसकी, फर्स्ट अजम्पशन, सेकेंड अजम्पशन, थर्ड अजम्पशन, फोर्थ अजम्पशन, फिफ्थ अजम्पशन, सिक्स्थ अजम्पशन, ठीक है। ऐसे यहाँ लिख लो, 1, 2, 3, 4,
फाइव, इसमें कोई पॉइंट नहीं समझ आ रहा हो, छह में हिंदी वालों को बोल रही हूँ, जिनको नहीं समझ में आ रहा पढ़ लो, पूछ लेना फिर मुझसे भी। भूमि आपूर्ति में निर्धारित है, समझ गए किसमें है, निर्धारित है, ठीक है। भूमि में अविनाशी मूल शक्तियां होती, क्या होती है उसके अंदर, ओरिजिनल पावर होती है। आप एक बताओ, लैंड है, लैंड के अंदर पावर नहीं होगी तो आप कैसे सप्लाई करोगे, लैंड के अंदर तो पावर ही पावर है, लैंड के अंदर क्या क्या चीजें नहीं बना सकते हो, हर तरह की सब्जी उपजाऊ कर सकते हो, जो भी आप बना सकते हो, किस बेस पे बना सकते हो, जब उसके अंदर फर्टिलिटी अच्छी होगी, जो उसके अंदर आप सामान लगा रहे हो ना लैंड के अंदर, जिसकी वजह से आपका उपजाऊ अच्छा हो रहा है, फार्मिंग आप अच्छी कर पा रहे हो, खेती अच्छी कर पा रहे हो, क्यों, क्योंकि उसमें आपने जो बीज डाले हैं ना वो अच्छे हो रहे हैं, वो फर्टिलिटी अच्छी कर रहे हो आप, उसके अकॉर्डिंग क्या है आपकी ज्यादा आपको फिर उपजाऊ देगा। लैंड कैन बी ओनली यूज फॉर फार्मिंग, भूमि का उपयोग केवल खेती के लिए किया जा सकता है। आपको पता ही भूमि का उपयोग क्या करा जाता है, इसमें खेती के लिए किया जा सकता है। यहाँ पे गार्डियन ये कह रहे हैं कि जो आपकी भूमि का उपयोग आप कर रहे हो ना, ये खेती के लिए कर सकते हो ओनली, ठीक है। इसमें जितनी अच्छी आप खेती कर लोगे उतना अच्छा वर्क हो जाएगा आपका। सो भूमि का उपयोग केवल उनकी उर्वरता के घटते क्रम में किया जा सकता है, समझ गए, मतलब लैंड का जो आप यूज कर रहे हो उसमें क्या हो रहा है, मतलब जितना आप यूज कर रहे हो मान लो रेंट को, अभी आप आगे टेबल समझोगे तो इस पॉइंट पर आप समझ जाओगे कि डिमिनिशिंग क्यों हो रहा है, अभी आप आगे समझोगे इसको, ठीक है। ये पॉइंट अभी आगे समझोगे जब यहाँ पे हम डायग्राम विद टेबल समझेंगे, ठीक है, कि ये घटता हुआ क्यों होता है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न ऑपरेट्स इन द लैंड, अब आपको पता है घटते प्रतिफल का नियम जो होता है वो इस पे लागू होता है। ये दोनों पॉइंट आप तब समझेंगे जब टेबल समझ पाएंगे, अभी हम समझते हैं टेबल, ठीक है। ठीक है, तो समझ पा रहे होगे कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ इसमें, कि ये क्या है आपका, समझ आ रहा है ये वाला पॉइंट, समझ आ गया सबको कि थ्योरी ऑफ रेंट क्या होती है, समझ में आ रहा है थ्योरी ऑफ रेंट क्या होती है एंड अजम्पशंस, इसकी जितनी समझ ली आप लोगों ने, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। आप फिर समझ में आ गया, वंदना जी सबको समझ आ रहा है, अनुराधा, लोमन, ललिता, रविन, जितने बच्चे भी हो क्लास में भाई, सबको समझ में आ रहा है कि थ्योरी ऑफ रेंट क्या, मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट भी है इसमें, ठीक है, मॉडर्न थ्योरी भी है, जो कि आप अभी समझेंगे कि इसको मॉडर्निटी में आप कैसे समझ सकते हैं, अभी तो ये क्लासिकल में समझ रहे हो, पुरानी एक तरीके से समझ रहे हो, न्यू क्लासिकल एक अलग आता है, क्लासिकल एक अलग हो गया, ये मैंने आपको पहले ही डिफरेंस समझा चुका है, ठीक है, ठीक, आगे चलते हैं फिर, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, ओके, आ जाइए। सो एक सेकंड, इसमें टेबल नहीं है क्या, ओह शिट मैन, टेबल कहाँ गई, एक सेकंड में यहाँ ड्रॉ कर देती हूँ टेबल, दो मिनट लगेंगे, टेबल के बिना फिर समझ में नहीं आएगा डायग्राम। चलिए आ जाइए, पहले हम इसकी टेबल बनाते हैं, क्योंकि ये वाला डायग्राम समझ लेंगे ना तो छूमंतर हो जाएगा भाई सब कुछ। अच्छा, इसका एक फॉर्मूला लिख लो, पहले रुको, इसका फॉर्मूला लिख लो कि हम कैसे निकालेंगे इसको, है ना, यहाँ लिख लो, लगान, लगान बराबर में लिखो अधि, अभी बताती हूँ, अधि सीमांत भूमि की उप, सीमांत भूमि की उपज, की उपज इसे लिख लो अभी, माइनस कर दो सीमांत भूमि की उपज, सीमांत भूमि, भूमि की उपज, ये इसका फॉर्मूला है लगान का, रेंट का, ओके। अब इसकी टेबल आगे बनाते हैं, इसके नीचे यहाँ लिख लो ग्रेड्स, ग्रेड्स दे रहे हो ना आप, ये ग्रेड्स है ना, ग्रेड्स ऑफ लैंड, तो यहीं पे सेम लिखो ग्रेड्स, ग्रेड्स लैंड बना लिया, अब यहाँ पे एक लाइन,
उसके बाद है आपका कितना प्रोडक्शन कर रहे हो उसमें, ठीक है। प्रोडक्शन केजी में समझ लो कर रहे हो, ठीक है। इसका प्रोडक्शन कर लिया, इसकी एक टेबल बना ली। उसके बाद देखो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है आपने इसका क्या लिखा, कितनी कॉस्ट पे आपने प्रोडक्शन किया, ठीक है। फिर उसका फाइनल आप रेंट लिख लो यहाँ पे कि रेंट क्या हुआ। साथ में साथ बनाते रहोगे तो याद भी हो जाएगा, फायदा ये होगा बस लिखने का, ठीक है। ए बी सी एंड डी, देख पा रहे हो ए बी सी डी चार है हमने ले लिया। प्रोडक्टिविटी ये रही मेरी, कॉस्ट क्या रही है और प्रोडक्शन कितना ले रही। अब मान लो यहाँ पे 40 30 20 और ये 10 होगा। अब इसमें मैं कितना कर रही हूँ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, चारों में सेम आ रहा है। अब इसको इससे क्या कर दो, माइनस कर दो। अब मान लो, अब देखो एक चीज यहाँ समझने वाली है, वो क्या है। अब ए पे 40 प्रोडक्टिविटी, कॉस्ट कितनी है 10, सेम है सब में ही है मतलब। पर आप देख रहे हो डी में आपकी सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी देख रहे हो कम हो रही है। डी में क्या हो रही है, सबसे कम जीरो प्रोडक्टिविटी आएगी, क्यों अभी बताते हैं। अब ये सबसे कम है तो इसको इसमें से माइनस करेंगे 40 में से। जैसे 40 में से 10 माइनस किया आया आपका 30, 30 में से 10 माइनस किया आया आपका 20, 20 में से 10 माइनस किया आया 10। अब 10 में से अगर 10 माइनस करोगे इज इक्वल टू जीरो, तो आपकी कितनी प्रोडक्टिविटी आई इसमें डी में, जीरो, जीरो। ये समझने वाली चीज है, पॉइंट अच्छे से समझो आप क्यों जीरो आया। एक बात बताओ यहाँ देखो, ए बी सी और डी। अब मान लो ए है वो 100 किलो, ये 80, ये 60 और ये 40। अच्छा एक बात बताओ, अब वो 100 पे पहले उसने वर्क किया, उसने क्या किया, एक लैंड है यहाँ, लैंड ले लो, लैंड ले लो, लैंड या जमीन ले लो। अब उसने एक लैंड ली, ठीक है। लैंड पे उसने क्या किया, उसने सोचा अरे चलो मैं ना चार तरीके से काम करता हूँ उसमें, ठीक है। ए बी सी डी, ये चारों ने काम कर लिया। अब ए वाले पे ना सबसे ज्यादा प्रोडक्शन हुआ भाई, इन चारों को देखते, पर पहले नहीं पता था उसे। सबसे ज्यादा प्रोडक्शन किसमें अच्छा हुआ, चार मतलब ए में, कितना हुआ 100। अब उसका सेकेंडली देखा तो 80, फिर ऐसे कम हो गया, ठीक है भाई। इसका रीजन क्या है, उसकी जितनी अच्छी फर्टिलिटी होगी लैंड की, जितनी अच्छी उपजाऊ होगी, जितनी अच्छी जमीन होगी, उसके अकॉर्डिंग अब ए को इज द बेस्ट मिला। और सबसे अच्छी जमीन किसकी थी, ए की। प्रोडक्शन इसका किस सबसे ऐसी सेम, इस यहाँ पे एग्जांपल देख लो, सबसे अच्छा इसमें प्रोडक्शन हुआ 40, ठीक है। कॉस्ट सेम लग रही है सब में, कॉस्ट जो लगा रहे हो आप सेम लग रही है, पर सबसे अच्छी क्या है, लैंड जो है। लैंड क्या है, अगर आप ग्रेड्स दो लैंड को ए बी सी डी करके, अगर ग्रेड्स दो, ग्रेड्स क्यों देते हो आप एग्जाम देते हो, आपको नंबर मिलते हैं, तो ग्रेड्स क्यों मिलते हैं आपको, सबसे अच्छा, उससे कम, उससे कम, उससे कम, उससे कम। ई में क्या होता है, फेल हो जाते हो, ई में फेल ही हो जाते हैं ना, पता नहीं जो फेल हुआ होगा उसको जरूर याद होगा कि ई में शायद फेल होते हैं, ई में फेल ही होते हैं शायद। सो है ना, तो ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है पहले ए में आपने कल्टिवेशन बहुत अच्छा किया, फिर बी में उससे कम किया, सी में उससे थोड़ा सा कम किया, फिर डी में तो बिल्कुल जीरो पे चलेगा भाई। आपको कोई रेंट ही नहीं मिला लैंड पे, क्या ही रेंट दोगे आप किसी को, जब आपका कुछ आई नहीं रहा। कॉस्ट तो आपने लगा दी, आपने प्रोडक्शन तो बिल्कुल जीरो कर दिया, रेंट क्या मिलेगा फिर उस पे, जीरो। तो इसमें क्या बता रहा है, इसमें कहना चाह रहा है कि देखो ए ग्रेड पे आपका 40 यहाँ आ रहा है, ये 40 कर रहे हो आप यहाँ पे, ए पे 40 हो रहा है यहाँ पे, बी पे कितना हो रहा है आपका 30 हो रहा है, कितना हो रहा है 30, ये देख रहे हो बी में आपका 30 इसने क्लिक कर लिया। अब सी में इतना कितना हो रहा है 20, तो उसने 20 पे क्लिक कर लिया। फिर आप देख रहे हो डी पे कितना हो रहा है 10। अब ये जो है इसके बाद क्या आ रहा है आपका, जीरो आ गया, जीरो पे आ गया ना ये जो सारा है ये दिस इज द रेंट। ये क्या है, रेंट, कि आप जमीन का रेंट दे रहे हो। यहाँ तो आपको कोई प्रोडक्शन ही नहीं हुआ, तो रेंट क्या दोगे इसका आप, जीरो। अब रेंट आपका जीरो आ गया, या किसको क्या दोगे आप, रेंट दोगे कुछ, जब आपको कुछ बची नहीं रहा। तो इसलिए क्या कह रहा है ये, इसलिए ये कहता है कि जितनी अच्छी जिसकी उपजाऊ जमीन होगी, जितना अच्छा जिसका वर्क होगा, जितनी अच्छी जिसकी लैंड होगी, जितना अच्छा उसका फर्टिलिटी होगा, कल्टीवेशन होगा, उसी अकॉर्डिंग क्या होता है, रेंट अच्छा होता है, प्रोडक्टिविटी अच्छी होती है। समझ गए, आई थिंक सो समझ आ गया होगा ये डायग्राम, और ये समझ में आ गया तो आई थिंक सो रेंट थ्योरी इजीली समझ आ गई, या मॉडर्न वाले में मॉडर्न वाले तरीके समझ लेंगे। पता तो इसमें समझ आ गया कि मैम इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये समझ लिया तो समझ लो समझ लिया, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो कोई परेशानी नहीं आनी।
फिर तो कोई अभी देख लेते, कोई और स्लाइड तो नहीं रह गई। वैसे तो यही है, आप लोग बता दो एक बार, सबको क्लियर है, जल्दी से बता दो फटाफट, फिर मैं भी आगे चलूं, अजम्पशंस को क्लियर करूं। आज बहुत ज्यादा, जल्दी बताओ बताओ आप लोगों को क्या लगता है आपके अकॉर्डिंग कि अभी हमारा माइक्रो का कितना सिलेबस बचा है, कितना सिलेबस बचा हुआ है अभी हमारा, आप लोगों के अकॉर्डिंग आपको कितने दिन में लगता है कि हमारा सिलेबस हो जाएगा कंप्लीट? मेरे को कोई बता सकता है कि मैम यस हमें इतना लग रहा है कि इतना सिलेबस हमारा बच गया है? हाँ इस टाइम आने लगती है, तभी थोड़ा सा क्वेश्चन आंसरिंग करती रहा करूंगी ना मैं, तो तुम लोग थोड़ा सा अवेयर रहोगे, पर आप लोग आप थक जाते हो ना, आपका स्कूल वगैरह का टाइम होता है, फिर लाजमी है आपका, कोई बात नहीं, आप रिकॉर्डिंग सेशन देख लिया करो थोड़ा बहुत, अजम्पशन पढ़ लेते हैं, फिर वंदना जी चले जाएंगे, फिर हम लोग अपना थोड़ा बहुत देख लेंगे क्या समझना है इसको, ठीक है? सो छह समझ लिया आपने, सिक्स अजम्पशन आपने समझ लिए, फिर आपका आ जाता है इसमें परफेक्ट कॉम्पिटिशन। इसमें क्या है, बाजार में सही प्रतिस्पर्धा होती है, ठीक है? फिर इसके अंदर क्या होता है, प्रिवेल्स इन द मार्केट, मार्केट में क्या होती है चीजें, प्रिवेल्स होती है, ठीक है? क्या होती है, बाजार में सही प्रतिस्पर्धा व्याप्त होती है, परफेक्ट कॉम्पिटिशन प्रिवेल्स इन द मार्केट। सो मोर पॉपुलेशन होती है, क्या होती है बाजार, पहले तो ये वाला पॉइंट समझ में आ गया, बाजार में सही प्रतिस्पर्धा मतलब कॉम्पिटिशन बिल्कुल सही होता है, ये नहीं कह सकते आपकी कॉम्पिटिशन अच्छा नहीं हो रहा है या गलत हो रहा है या कॉम्पिटिशन होना ही नहीं चाहिए, कॉम्पिटिशन होना भी जरूरी है, अगर कॉम्पिटिशन नहीं होगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा मार्केट में ट्रेंडिंग क्या है, मार्केट में कितना प्रोडक्शन हो रहा है, मार्केट में कितना प्रॉफिट लॉस हो रहा है, कितनी चीज़ों पर आपको फर्क पड़ रहा है, कितनी चीज़ों से आपका GDP गिर रहा है, ये सब चीज़ें ये लॉन्ग वे में चली जाती है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। परफेक्ट कॉम्पिटिशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट अजम्पशन इन एवरी थ्योरी, परफेक्ट कॉम्पिटिशन एंड फुल एम्प्लॉयमेंट, ये मोस्टली आपको सब में मिलेगी, एंड मोर पॉपुलेशन इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, अधिक जनसंख्या क्या करती है। अच्छा एक बार बताओ, अब मोर पॉपुलेशन आ गई, अब मेरे पास लैंड है इतनी, ठीक है, अब पॉपुलेशन भी बढ़ रही है मेरी, तो क्या होगा उसके बाद, लैंड भी बढ़ेगी तो पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग क्या होगा, प्रोडक्टिविटी क्या होगा, उत्पादकता भी बढ़ेगी, पॉपुलेशन बढ़ेगी तो उत्पाद, अब जितने लोग हैं उनके अकॉर्डिंग आप वही खाने के लिए चीजें तो उपजाऊ करोगे ना, उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, उसी अकॉर्डिंग चीजें आगे बढ़ती है, उसी अकॉर्डिंग क्या होता है आगे, उसी तरीके से आप चीजों को देखते हो। अभी आपके पास देखो, जैसे मेरे पास वन बॉटल है, बिकॉज मैं यहाँ बैठी हूँ, अगर आप सब लोग मेरे साथ यहाँ बैठे हो क्लास में, एक ही क्लास में, तो एक ग्लास एक बॉटल में हो जाएगा क्या? मैं और जग रखूंगी ना बड़ा वाला, 5 लीटर ले लो 10 लीटर ले लो, वो रखना पड़ेगा मुझे। ऐसे ही सेम है, जब आपके पास पॉपुलेशन कम है तो आप चीजें ही कम करोगे, जब पॉपुलेशन ज्यादा होगी तो प्रोडक्टिविटी क्या कर दोगे, इंक्रीज कर दोगे। तो एग्जिस्टेंस ऑफ मार्जिनल लैंड, अब इसके अंदर मार्जिनल लैंड की भी जरूरत है, सीमांत भूमि का अस्तित्व होना इसमें इम्पॉर्टेंट है, जो आपकी लैंड है उसके अंदर जो सीमांत की जो भूमिका है उसमें वो होना जरूरी है। इट इज बेस्ड ऑन द लॉन्ग रन कॉन्सेप्ट, ये क्या है, एक लॉन्ग रन कॉन्सेप्ट, समझ रहे हो, ये शॉर्ट रन कॉन्सेप्ट नहीं है, लॉन्ग रन है, इसमें क्या है, लॉन्ग रन है, ये आप शॉर्ट रन की बात नहीं कर सकते, तभी इसमें क्या हो रहा है, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, पॉपुलेशन आपको पता है तभी इंक्रीज होती है जब आपकी लॉन्ग रन की बात होती है, एक टाइम पे शॉर्ट रन में आके इतना आपका नहीं चेंजेस वेरिएबल होता है, नहीं होता ना, एक चीज कॉन्स्टेंट होती है, एक वेरिएबल होती है, या एक फिक्स्ड होती है, बाकी सब वेरिएबल होती है, ये सब किस में होता है, शॉर्ट रन में होता है, लॉन्ग रन में क्या होता है, वो वेरिएबल होता है। एंड हाँ, अब आप देखें, फर्स्ट आता है स्कार्सिटी ऑफ रेंट, अब कमी आपका रेंट में किराया कब कम होगा, जब होगा जब आपके पास लैंड आपकी काम ही नहीं कर रही होगी ठीक से, जब आपकी जो लैंड है उसमें वर्क ही नहीं हो रहा ठीक से, तो स्कार्सिटी आई जाएगी, कमी आई जाएगी किराए में। अब ए और बी ले लो दोनों को, एक क्या कर रहा है, मान लो 100 kg गेहूं बना रहा है, दूसरा 80 kg बना रहा है, क्यों बना रहा है भाई ये, क्योंकि इसकी इसकी जो जमीन है इसके अकॉर्डिंग मुकाबले बेटर है, अकॉर्डिंग टू दिस एंड दिस, दोनों को अगर देखो तो किसकी बेटर है, 100 वाली ए वाली की बेटर है, ग्रेडिंग दी जाए तो स्कार्सिटी रेंट क्या है, कमी आ जाएगी रेंट में, क्यों, क्योंकि यही तो रेंट दे पाएगा, ये कैसे देगा रेंट जब इसका इतना उपजाऊ है ही नहीं, इसका इतना काम हो ही नहीं रहा है भाई उसने लैंड में, तो कमी आ जाती है, किराए में कमी आ जाना, तो ये कमी बताता है कि कैसे ए आप ग्रेडिंग देते हो ना, जब आप ग्रेडिंग देते हो अपने अकॉर्डिंग,
मतलब जैसे जो काम कर रहा है, जितना वो प्रोडक्शन कर रहा है उसके अकॉर्डिंग आप काम करते हैं, तो कमी का किराया कैसे देखते हो आप? कम कम होता जाएगा तभी तो देखोगे, जब इस चीज इस लैंड के अकॉर्डिंग जो प्रोडक्टिविटी ज्यादा कम दे रहा है उसके अकॉर्डिंग तो आप डिसाइड करते हो कि आपका कमी किराए में कमी हो रही है नहीं हो रही है। एंड डिफरेंशियल विभेदक किराया, आपका किराया भी अलग अलग तरीके से आता है। इसमें बोल रहा है विभेदक किराया, क्या बता रहे हो? विभेदक मतलब आपके किराए में मतलब कहते हैं ना, एक डिफरेंस हो रहा है, डिफरेंस रेंट हो रहा है आपका, उस एक ए ग्रेड से अलग आ रहा है, बी ग्रेड से अलग रेंट आ रहा है, सी ग्रेड से अलग रेंट आ रहा है, डी ग्रेड से अलग रेंट आ रहा है, जो कि आप अभी डायग्राम में और वो समझ चुके हो। इसलिए आपको डायग्राम पहले समझा देती हूँ कि उससे आपको पूरी थ्योरी रिलेट हो जाती है कि उसमें क्या कहना चाह रहा है, ये एग्जैक्टली ये कहना क्या चाह रहा है कि स्कार्सिटी क्या होती है और डिफरेंशियल क्या होती है ना। तो ये वही बताता है, नो रेंट लैंड, इसमें ये डायग्राम इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट, थ्योरी ऑफ रेंट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, याद रखना ये जो थ्योरी ऑफ रेंट है ना इम्पॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लेना अपने पास, ठीक है। देखो माइक्रो मिला के, हाँ अभी उसी के अजम्पशंस कर रहे हैं, अभी तो अजम्पशंस कर रहे हैं उसके हिसाब से, थोड़ा थोड़ा ही बाकी है, माइक्रो का ही पूछा मैंने। देखो माइक्रो में तो ज्यादा तो नहीं, देखो अगर मैंने वही बात सेम बात बोलूंगी मैं, पढ़ने को तो बहुत कुछ पढ़ लेंगे पर उतना ही पढ़ना जितना अभी हमारा रिलाइबल है हमारे लिए, ठीक है, जितना हमारे एग्जाम में हमें काम आएगा उतना ही करेंगे, ठीक है। तो ज्यादा नहीं है, अब मैं बोल भी नहीं सकती क्योंकि कभी कभी आपकी 10 बजे वाली क्लास नहीं होती, अगर आपकी 10 बजे वाली क्लास अगर 4 दिन अभी कंटिन्यू हो जाए ना तो आपका 4 दिन में सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है उसमें, क्योंकि आपकी कितनी हो गई टोटल, 8 क्लासेस है, बहुत है। आज कितनी है, 26 है ना, 27 28 28, 30 का मंथ है ना ये, 26 27 28 28, अब मेरे हिसाब से अगर अच्छे से करेंगे फटाफट वाला वे ले लेंगे। भाई देखो जिसको नहीं समझ में आ रहा, मास्टर्स करके आए हुए, इतना अंदर डीपली में नहीं पढ़ने का टाइम है, फिर भी बहुत इजी कॉन्सेप्ट्स में पढ़ा देती हूँ मैं। मास्टर्स करने के बाद जो आप यूजीसी नेट का सिलेबस होता है वो थोड़ा सा ब्रॉड हो जाता है, वो इन्हीं पे डिपेंड होता है ना सारा, 11th 12th ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन, ठीक है। तो मैं क्या पूछ रही थी, हाँ ठीक है, चलिए फिर और बता दीजिए, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो अभी बता दीजिए, और जिसको नहीं है प्रॉब्लम वो लीव कर सकता है अपनी क्लास, वंदना जी आप लीव कर दीजिए, आप जाइए अपना रेस्ट करिए आराम से, आपके ऊपर बहुत बर्डन है आई नो वेरी वेल। और वंदना जी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आए, कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है, थ्योरी कोई कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हो रहा है, 10 o'clock कंटिन्यू, अच्छा हाँ ठीक है, मैं इसलिए नहीं कंटिन्यू कर पाती, थोड़ा सा तभी ठीक नहीं थी ना अभी, बट अब ठीक है, अब करेंगे कल से कंटिन्यू, ठीक है। आप रेस्ट करिए और फिर कल मिलते हैं हम लोग 8 बजे, और किसी को कोई प्रॉब्लम है तो अभी टाइम है, पूछ लो बता दो। रविंद्र आपको कोई इशू आ रहा है किसी चीज़ में तो बता दीजिए, और आज के हिंदी के जो भी लाइन्स में लिखा है अजम्पशंस या जो भी लिखा है हिंदी में आज PDF में, वो ओके है, कहीं प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा है तो बता दो, यस मैम आ रहा है तो फिर मैं सॉर्ट आउट करूँ, बताओ जल्दी। अगर जैसे PDF में नहीं कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो बता दो, अब मेरे पास अगर लास्ट पर टाइम बचेगा तो तुम लोगों के लिए माइक्रो की सारी डेफिनेशंस बना के भेज दूंगी, बट अभी पहले सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं, वो तो लास्ट में भी कर लेंगे हम लोग, लास्ट में जब हमारा एग्जाम का टाइम आएगा ना तब भी हम समझ लेंगे मोटा मोटा, ठीक है। तो जल्दी से मुझे बता दो अगर किसी की कोई प्रॉब्लम हो, जल्दी बोलो भाई फटाफट, कोई मैसेज ही नहीं कर रहा है, जल्दी बताओ फटाफट। जल्दी बताओ फटाफट कहाँ गए सब, PDF में समझ आ रहा है रविंद्र तुम्हें, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, आ रही है तो बता देना,
ललिता और लोमन, आप लोगों को आज का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है पीडीएफ वगैरह का? वो करेंगे वंदना जी, बिल्कुल करेंगे, वो करना है हमें, डोंट वरी, आप सबके लिए मैं करूंगी, क्योंकि मैंने सोच रखा है मैराथन करेंगे, क्योंकि मैराथन नहीं करेंगे ना फिर मजा नहीं आएगा, मैराथन में मजा भी आएगा, क्योंकि क्या होगा उसमें सारी चीजें एक साथ आ जाएंगी, फटाफट रिवाइज हो जाएगा, वो हम करेंगे पक्का, मैं सर से बात करूंगी इस बारे में, ठीक है? मैराथन के लिए देखो मेरे ऊपर तो है नहीं, बट मैं एक बार सर से पूछ लूंगी, जब हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा ना तो हम लास्ट में करेंगे मैराथन सारी पीडीएफ्स को एक साथ, ठीक है? क्लियर है? हाँ आएगा, कुछ भी आए तो यहाँ पे बेझिझक पूछ लिया करो, बता दिया करो, आई एम हियर फॉर यू। देखो आप अपने साथ भी परेशान हो रहे हो और फिर खुद भी परेशान हो रहे हो तो अच्छी चीज नहीं है ना फिर। बाकी अफरीन में 12, 13 और जो आपने बोला है ना 12, 13 एंड 14 का जो आपने बोला है, ठीक है, तो मैं उसका एक बार चेकआउट कर लूंगी कि उसमें क्या इशू है, अगर मुझे लगेगा उसमें ठीक हो सकता है तो ठीक है, नहीं है तो फिर अभी तुमने कर लिया, आगे जो पीडीएफ में कुछ भी हिंदी से रिलेटेड समझ में ना आए तो समझा बता देना मुझे, ठीक है? चलिए फिर, किसी को कोई दिक्कत नहीं है और कोई भी बात तो भाई यहाँ बेझिझक बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे हम सब एक फैमिली है, 100 बार बोला मैंने ऐसी नहीं बोला है हम लोग यहाँ पे, इतनी बात मैं आपसे एक बार बताऊँ, यहाँ पढ़ाने आती हूँ मैं, आपसे बातें क्यों करती हूँ, इसलिए तो करती हूँ कि आप मेरे साथ फ्रैंक हो जाओ, मैम से कोई बात हो तो बोल पाओ, कुछ बच्चे शाय होते नहीं बोल पाते। अब रविंद्र को देखो आज कितने उसने उससे बोला मैम जो भी दिक्कत होगी मैं सामने बोलूंगा, तो मीन्स इसको ये कॉन्फिडेंस है ना इसको कि हाँ मैम मेरे को कुछ प्रॉब्लम आएगा तो मैं आपको बोल दूंगा, तो यही होना चाहिए। अच्छा उस प्रॉब्लम उसमें अच्छा बना लिया ना, एक फिर भी मैं देख लूंगी, अगर उसमें कुछ ऐसा होगा जो मुझे लगेगा तो मैं बताना चाहिए, इम्पोर्टेंट है तो मैं तुम्हें बताऊंगी, ठीक है? एक बार मैं देख लूंगी अपने साइड से कि क्या ऐसा है उसमें जो तुम्हें इतना, मुझे भी खुद अजीब लग रहा है ना, वो भी 3 PDF। इंग्लिश वालों का बच्चों यही पंगा होता है, आप लोग खुद हिंदी मीडियम हो आप लोगों को पता होगा अच्छे से, रिलेट करोगे अगर तो, नहीं करोगे तो बात ही अलग है, फिर नहीं समझना। तो हिंदी का मेटेरियल इतनी आसानी से नहीं मिलता है, बहुत मुश्किल से मिलता है, बहुत मुश्किल से मिलता है। सो चलिए फिर हम अपनी क्लास को यहीं एंड करते हैं, कल हम मॉडर्न रेंट थ्योरी पढ़ेंगे, साथ में हम लोग देखते हैं कुछ नया और 10 बजे वाली क्लास में क्या लेके आते हैं। पहले बार तो कल मॉडर्न थ्योरी खत्म हो पाएगी, इसके रेंट थ्योरी के 1-2 पार्ट्स और बचे हैं, ठीक है? आपको अच्छा रियल लाइफ में अभी जानते नहीं हो ना रविंद्र, आप मुझे इतना ही यही जानते हैं, मेरे जो ऑफलाइन वाले स्टूडेंट्स है ना उनसे पूछना, यहाँ पे मैं बहुत हंस हंस के बात करती हूँ, ठीक है? बट वो फ्रैंक भी है और एक टीचर से डरना भी चाहिए और एक रेस्पेक्ट भी देनी चाहिए, ठीक है? डरना, डरोगे नहीं तो फिर काम कैसे चलेगा, डरना पड़ेगा भाई, पर इतना नहीं कि बोलो नहीं, ठीक है? चलिए फिर क्लास को यही एंड करते हैं, गुड नाइट, टेक केयर एवरीवन एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। अच्छे से पढ़ो, जितना पढ़ा है मेहनत करके पढ़ो, आज की थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, थ्योरी ऑफ रेंट, उसको कंटिन्यूटी में करते रहो, ठीक है? वेलकम एवरीवन, सो हेल्प करो, बड़ों की रेस्पेक्ट करो भाई, ठीक है? बड़ों की रेस्पेक्ट करोगे तभी क्या होगा आगे। अरे भैया रविंद के, हाँ अच्छी बात है, मत डरो, तुम्हारे स्टूडेंट्स भी होंगे कल को, अच्छी बात है, ठीक है? रेस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ठीक है, रविंद का कहना कोई गलत नहीं है, रेस्पेक्ट देना इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ना। बाय बाय एवरीवन, आप लोग जा सकते हैं, क्लास लीव ऑन कर सकते हैं, ठीक है? बाय, थैंक यू एवरीवन, बाय, आप लोग जा सकते हैं। एक सेकंड मैं कुछ देख रही हूँ इसमें, मुझे कुछ करना है इसमें, एक सेकंड ऐड ऑन करने के लिए देख रही हूँ, आप लोग लीव कर सकते हैं।
अरे बस बस रविंद, जाओ चलो अब अपना पढ़ाई करो ये तो नहीं हो मिलेगी चलिए फिर एंड करते हैं हम लोग क्लास को। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर एवरीवन।